हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि हमने जो क्वेश्चन पेपर बनाना सीखा है गूगल फॉर्म पर, उनको कैसे किसी फोल्डर में या हमारी गूगल ड्राइव में हम उनको सेव करेंगे, क्योंकि हम एक ही आईडी से जब बहुत सारे पेपर बनाते हैं तो पेपर मैशअप हो जाते हैं, तो उसको हम आसानी से फाइंड करने के लिए उन्हें गूगल ड्राइव में फोल्डर्स में हम उनको कैसे सेव करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल फॉर्म को ओपन करते हैं, हमें मालूम है कैसे गूगल फॉर्म ओपन करना है। इसके बाद हम इस पर क्लिक किए और जैसे ही हमने इसको क्लिक किया हमारे पास गूगल फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ मैंने एक पेपर ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है, इस टाइप पेपर को मैंने खोला। इस पेपर में भी हम इसका लेआउट देख लें कि हमें कोई भी पेपर का लेआउट कैसे रखना है। तो सबसे पहले हम लेआउट की बात करें तो हमारे लेआउट में हमने क्या डाला हुआ है, स्कूल का नेम महारेजिमेंट पब्लिक स्कूल सागर, एग्जाम का टाइटल दैट इज प्री मिड एग्जामिनेशन 2020-21, देन क्लास, देन सब्जेक्ट। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट डिटेल की बात करें तो यहाँ मैंने लिखा हुआ नेम ऑफ स्टूडेंट, इसके बाद क्लास एंड सेक्शन, एडमिशन नंबर, एंड देन आई हैव स्टार्टेड माई क्वेश्चन पेपर। आपको जब पेपर आपका तैयार हो जाता है तो आपको इधर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ देखें ये अनटाइटल फॉर्म के इस बाजू में एक आपको फोल्डर दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा हुआ मूव टू फोल्डर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास माई ड्राइव खुलेगी। माई ड्राइव में आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ प्रीमिड स्लैश यूनिट टेस्ट एग्जाम 2020-21। इस पर आप जब क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ दिखाई देगा प्रीमिड दैट इज फॉर क्लास 1 to 10 एंड यूटी फॉर क्लास 11 to 12। अगर आप क्लास 1 to 10 लेते हैं, आप क्लास 1 to 10 का पेपर बनाया है, तो आप यहाँ इस पर डबल क्लिक करेंगे, देन यू विल हैव क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10। सपोज मुझे क्लास 10 में पेपर सबमिट करना है तो मैंने क्लास 10 पे डबल क्लिक किया। क्लास 10 पे डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। अब मैंने पेपर बनाया हुआ है साइंस का, तो मैंने साइंस पे डबल क्लिक किया एंड यहाँ मुझे पेपर को सबमिट करना है, सो आई हैव डन मूव हेयर। तो अब मेरा ये पेपर कहाँ सेव हो गया है, गूगल ड्राइव में प्री मिड एग्जामिनेशन में क्लास 10th में सेव हो गया है। अब मैं इसको वहाँ से ओपन कर सकता हूँ बाद में कभी भी। कैसे देखते हैं, अगर मुझे अभी पेपर वहीं देखना है तो आप देखिए, अब यहाँ से मेरा पेपर अब यहाँ कहाँ पहुँच गया, गूगल ड्राइव में पहुँच गया। तो मैं कैसे जाऊँगा, ये ड्राइव खोली मैंने, ड्राइव पर माई ड्राइव में मैंने देखा प्रीमिड यूनिट टेस्ट वाला पेपर है, इसको देखा, यहाँ मेरे पास ऑप्शन है प्रीमिड वाला, यहाँ देखा क्लास 10th, क्लास 10th के बाद सब्जेक्ट देखा था साइंस, और यहाँ मेरा पेपर अब सेव हो चुका है। जो भी चेंजेस करने हैं आप बाद में भी यहाँ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार सेव करने के बाद इस पर चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे वापस हमारा वही क्वेश्चन पेपर ओपन हो गया है। आपको याद रखना है इसमें अलग से आपको कोई सेव या कंट्रोल एस प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है, गूगल फॉर्म ऑटोमेटिकली आपके पेपर को सेव करते जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।